walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking. हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से मैं आप सारे लोगों को बहुत दिल से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बिकॉज मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी दरभंगा एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट के बारे में जो मैंने बताई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, तो उसको मैं आज इस वीडियो में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ। और उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिखाया मेरा, उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा व्यू गया है, सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यू जो गया उसी वीडियो मेरी गई है। तो चलो ये सब बात तो होती रही गाइस। तो पहले यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिथिला वासियों के लिए ये है कि बहुत जल्द अब दरभंगा से भी हम लोग अपनी सपना को पूरा कर सकते हैं, हवाई जहाज़ में बैठ के हम लोग भी हवा में उड़ सकते हैं। ये बात जब हम लोग सोचते थे बचपन में तो काफ़ी ये असहज लगता था कि हम लोग भी ऊपर में उड़ सकते हैं, लेकिन जी हाँ ये सच है, अब हमारे शहर दरभंगा से भी हम लोग हवाई की यात्रा कर पाएंगे। सारा डिटेल मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कब से ये टिकट बुकिंग स्टार्ट हो रही है, कितनी जहाज़ें हैं और कौन यहाँ पे सबसे ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं सारा चीज़ को होने में, ऑर्गेनाइज़ करने में, और कितना टिकट है और कौन कौन सी शहर में आप जा सकते हैं इस एरोप्लेन की मदद से, कौन सा एरोप्लेन है, सारा बात मैं ए टू जेड डिटेल्स में करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून गाइस, बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, हो सके तो दोस्तों में यार ज़रूर शेयर कर देना वीडियो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो ओके। ऑलराइट, हमारे सपने को पूरा करने में अगर सबसे बड़ा किसी बंदे का हाथ है तो वो है हरदीप सिंह पुरी। यूँ कहें तो बहुत सारे लोगों का हेल्प यहाँ पे हाथ है इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने में, इस चीज़ को स्टार्ट करने में, लेकिन हरदीप सिंह पुरी को आप लोग जानते होंगे कि इंडिया यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन के वो जो है फॉर्मर डेवलपमेंट एंड ऑथर है। उन्होंने यहाँ पे ये अनाउंसमेंट कर दिया फाइनली, जैसा आप लोग मैं स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बुकिंग ऑफ फ्लाइट फ्रॉम दरभंगा एयरपोर्ट बिगेन ऑन 20 सितंबर से जो ये बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ये आपकी जो फ्लाइट होगी वो होगी फ्लाई स्पाइस जेट, जो है फ्लाइट का नाम है वो यहाँ पे फ्लाइट होगी, और आप 3 साल में यहाँ पे जा पाएंगे। अभी फिलहाल राइट नाउ ये कंडीशन है, पहला जो है फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली है, देन बेंगलुरु है, एंड लास्ट में जो है मुंबई है। ये तीनों शहर में आप लोग ट्रेवलिंग कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं इन तीनों शहर में घूम के। और आगे आने वाले समय में हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि और भी यहाँ पे चीज़ें को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, सारी चीज़ को डेवलप किया जाएगा आने वाले समय में। अब बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पे शेयर किया गाइस, तो मैं क्या ही बोलूँ आपको, तो चलो मैं कुछ पिक आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। और ये पिक जो है हरदीप सिंह जी आए थे यहाँ पे विजिट के लिए दरभंगा एयरपोर्ट पर, उसका पिक आप लोग देख पाएंगे में देख पाएंगे कि हरदीप सिंह जी ने ये भी अब जो ट्विटर पे ट्वीट किया है, फ्लाई स्पेस जेट हैज बीन आइडेंटिफाइड ए सिलेक्टेड एयरलाइन ऑपरेटर फ्रॉम दरभंगा विच हैज बीन अवॉइडेड 3 रूट्स दिल्ली बेंगलुरु एंड मुंबई टू बूस्ट एयर कनेक्टिविटी बिटवीन द स्टेट एंड दिस मेट्रोपोलिटन सिटीज। ये तीनों शहर में आपकी जो है जहाज फ्लाई स्पेस जेट जा पाएगी। और कुछ मैं आप लोग यहाँ पे अंदर दरभंगा एयरपोर्ट की कुछ पिक मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन में देख पाएंगे। रियली में गाइस जब हम लोग अंदर में जाएंगे ना यार, तो पूरा सपना हम लोग का कंप्लीट होने वाला। बहुत सारे स्टेट्स के लोग आते हैं हमारे दरभंगा में और बोलते हैं कि दरभंगा में ये फैसिलिटी नहीं है, आप लोग बस एरोप्लेन जाने के लिए नहीं, लेकिन आप लोग हम लोग भी सीना ठोक के बोल पाएंगे गाइस कि हम लोग की भी सर में भी हम लोग भी हवाई की यात्रा कर सकते हैं, और बहुत जल्द यार करने वाले ये सपना अब सच होने वाला है। तो कुछ पिक है यार, रियली में बहुत खूबसूरत अंदर का डेकोरेशन किया गया है, और जब सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जब उड़ान भरने लगेगी, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि परमिशन लेने के बाद मैं दरभंगा एयरपोर्ट पे जाके वीडियो शूट करूँ ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहता जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, कि कितना यहाँ पे चार्जेस लग रहा है तीनों रूट में जाने के लिए। तो जैसा मेरे स्क्रीन पे आप लोग देख पाएंगे, ये फ्लाई स्पेस जेट का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन से आप शहर में जाना चाहते हैं दरभंगा से, तो कितना चार्जेस है और कौन से डेट में है। तो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं सिंपली आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूँ, उसी तरह आप लोग जाकर वहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं कि इस स्टेट में आप इस शहर में सिटी में जाना चाहते हैं इस डेट में, तो कितना आपको वहाँ पे जो पे करना पड़ेगा पैसा, सारा कुछ आप लोग खुद से देख सकते हैं। और इस लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए, या फिर सिंपली आप लोग गूगल में टाइप करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर फ्लाई स्पेस फ्लाई स्पेस जेट जो है उस पर आप जा सकते हैं। हरदीप सिंह जी ने एक चीज़ और ट्वीट किया अपने ट्विटर पे कि छठ पर्व के बहुत पहले नवंबर के पहले सप्ताह में उड़ान शुरू होगी। ये गाइस तो बहुत बड़ी खुशखबरी और है, और मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। और एक चीज़ और, यहाँ पे स्पाइस जेट के जब आप ऑफिशियल जाएंगे ट्विटर के अकाउंट पे, तो उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया था न्यू फ्लाइट्स विल बी कनेक्ट दरभंगा टू द की मेट्रोज ऑफ दिल्ली मुंबई एंड बेंगलुरु एंड प्रोवाइड। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्पाइस जेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर उन्होंने भी शेयर किया दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में। और यहाँ स्पाइस जेट के जो CMD हैं जिनका नाम है अजय सिंह, उन्होंने भी यहाँ पे उनका भी यहाँ पे ट्विटर पे ट्वीट किया गया है स्पाइस जेट के थ्रू, तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है श्री गोपाल जी BJP ऑनरेबल MP फ्रॉम दरभंगा मीट द विथ अजय सिंह SG CMD स्पाइस जेट अर्ली टूडे अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ स्पाइस जेट पुटिंग दरभंगा ऑन इंडिया एविएशन मैप विथ 6 न्यू फ्लाइट इंट्रोडक्शन।
से जल्द ये फ्लाइट चालू हो जाए और हम लोग अपने सपना को यहाँ पे पूरा कर पाए, ऊंची यू नो आसमान पे जाकर, आसमानों पे, वहाँ पे ताजी ताजी हवा हम लोग ले पाए, यू नो ट्रेन का सपना तो यार जरूर हम लोग, हम मिथिलावासी यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा सपना पूरा हम लोग का होने वाला है। तो आगे यार जो भी अपडेट आएगा आपका भाई सलमान से आप लोग अपडेट देता रहेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी यू नो एयरपोर्ट को लेकर, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, ट्राई टू माई बेस्ट गाइज कि मैं जब दरभंगा एयरपोर्ट चालू होता है, जब भी छठ पर्व से पहले, जैसा कि वहाँ पे बताया उन्होंने ट्वीट करके, तो मैं कोशिश करूँगा कि परमिशन लेने के बाद मैं अंदर में जाऊँ और सारा लोकेशन मैं आप लोग को शूट करके अपने वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को दिखा, अगर आप लोग दूर है नहीं अभी ट्रेवलिंग करना चाहते हैं तो वो लोग भी इंजॉय कर पाए अपने एयरपोर्ट को अंदर से, पूरी जो भी वहाँ पे जो भी फैसिलिटी है, कितने लोग वहाँ पे बैठ पाएंगे, सारा कुछ। और भी अपडेट आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोग को देता रहूँगा, वीडियो में जरूर कमेंट करके बता देना, डेकोरेशन है सारा कुछ मैं आप लोग को शेयर करने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। और आप लोग कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना, और अपने इस भाई के लिए हॉनेस्टी यार वीडियो बनाई होना तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, चैनल पर नए हो तो बेल आइकन प्रेस करने से होता है गैस कि आपको अपडेट मिलता रहेगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, विश यू वेल, स्टे होम एंड स्टे सेफ।